सही आया चीज़ पुल तो भाई साहब मज़ा आ गया। इसे क्या बोलते हैं? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल उज्जवल फूडी। तो ये हमारा आशीष पुरी और मैं जा रहे हैं गुड़गांव में सेक्टर 61 पे ग्रिपो कैफे। ग्रिपो था ना? ग्रिपो कैफे, हाँ ग्रिपो कैफे नाम है उसका, और बोलते हैं उसको मिनी गोवा। बाकी हम यहाँ पे आ गए हैं, अब देख रहे हैं ऑटो या फिर ओला जो सस्ता मिलेगा वो लेंगे, हो गया बाकी चलो। तो गाइस ये रहा हमारा मिनी गोवा ग्रिपो कैफे, बाकी अंदर चलते हैं और देख रहे हैं कि क्या सीन है गाइस, कैसा है ये, क्या है, आ जाओ। चलो जी, यहाँ से एंट्री है हमारी। ये आशीष पुरी, वो भाई सब नीचे मिट्टी वो भर रखी है। नाइस नाइस, यहाँ पे पानी है। बैठना कहाँ पर है, बैठे कहाँ पर? यहाँ पे तो गर्मी लग रही है, थोड़ा अंदर चलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं ग्रिपो कैफे, मिनी गोवा बोलते हैं जिसको। बाकी अंदर चल रहे हैं हम, यहाँ पे गाय चल रहे हैं, पता नहीं कौन से, कोई भी नहीं आया, हम ही आ गए क्या यहाँ पे? चलो अंदर चल के देखते हैं। तो गाइस मेरे पीछे देखो क्या लगा पड़ा है, ये लव लूप लगा हुआ है यहाँ पे। अरे हम आ चुके हैं वैसे यहाँ पर, गर्मी में गलत टाइम आए हैं, हमें थोड़ा लेट आना चाहिए, गर्मी लग रही है, लेकिन हमें घर भी जल्दी जाना है, पिछली गली में तो रहते नहीं है यहाँ पे, इसलिए। ये बैठा हमारा आशीष पूरी, आलू पूरी पोज दे के बैठ गया। गर्मी लग रही है, कोई है भी नहीं, दो ही बैठे हैं, पता है, खुल खुल के एक वीडियो बना रहे हैं। हाँ यहाँ पे शाम को बढ़िया माहौल रहेगा, लेकिन हम आ नहीं सकते ना शाम को, गाड़ी नहीं है हमारे पास। बाकी चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, अगर हमारा मामला आने वाला है खाने वाला, पानी लेके आ गया भाई अपना। तो गाइस मैं आपको इस पिज्ज़ा का चीज़ पुल दिखाता हूँ, नहीं तो फिर बाद में कोई दिक्कत, ठंडा हो जाएगा, चीज़ पुल नहीं आएगा। ये भाई साहब सही आया चीज़ पुल तो भाई साहब मज़ा आ गया। ओए 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 ओए। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और हम एकदम गलत टाइम पर आए हैं, क्योंकि धूप एकदम सिर पर आए इस टाइम, थोड़ा राइट रात के टाइम आओगे ना तो मज़ा आ जाएगा। बाकी हमने क्या क्या लिया है, ये स्पेगेटी पास्ता है, क्रीमी वाइट सॉस, ये हमारा पिज़्ज़ा है ख़तरनाक सा, नाम क्या था इसका? एक्स्ट्रा वेगेंसी, भाई सब नाम इतना ख़तरनाक है। ये हमारा नॉन वेज वाला लिया हमने बर्गर, इसका नाम था ग्रैनी चिकन बर्गर। ये हमारा वेज ग्रिल सैंडविच, ये हमारे डिमसिम हो गए ख़तरनाक से, यहाँ पे कोई चॉपस्टिक का वो नहीं है इधर। बाकी हमारा ये था हमारा हेजलनट, और ये है हमारी चॉकलेट वाली शेक। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे, करते हैं पास्ता से, स्पेगेटी पास्ता। तो गाइस अब इसका मैं आपको चीज़ पुल करके दिखाता हूँ, आएगा नहीं आएगा। ओए होए 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 होए, खुशबू तो बड़ी ख़तरनाक सी आ रही है इसके अंदर से। चीज़ पुल तो वैसे आया नहीं कुछ खास, लेकिन हम ट्राई करते हैं अब इसको। उन्होंने हमसे पूछा था पहले कि आप कौन सी वाली चाहिए, हमने स्पेगेटी वाली लिया, तो उसके अंदर नूडल्स टाइप थोड़ा है, तो थोड़ा हम इसको अब टेस्ट करते हैं। ज़्यादा आ गया थोड़ा, पर कोई नहीं छोड़ो। बहुत क्रीमी है, हमें स्पेगेटी वाली ली है, इसमें नूडल्स टाइप आता है। अगर आप पास्ता वाले लोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, इसमें थोड़ा कम मज़ा आया, लेकिन टेस्ट बढ़िया है इसका भी। बढ़िया टेस्ट है इसका भी, मज़ा आया। दूसरी आइटम टेस्ट करते हैं हम। तो गाइस इसमें मेरे को सही में मज़ा आया, मतलब जितनी होनी चाहिए ना चीज़ उतनी है, क्रीम भी उतनी है, मज़ा आ गया मेरे को। बाकी आपने अभी इसका चीज़ पुल तो देखा ही होगा, अगर एक फिर से आ रहा होगा तो दिखाते हैं। सूप थोड़ा ठंडा हो चुका है ना, इसलिए ठंडा ही हो गया, कोई नहीं, चलो बाकी टेस्ट करते हैं। बढ़िया, थिन क्रस्ट इसका वो है, बेस अभी गिर जाता। बाकी गाइस इनमें देखो भरपूर मात्रा में आपको वेजेस मिल रही हैं, सारी मेरे इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं। बढ़िया इसका, मतलब अच्छा लग रहा है इसका भी टेस्ट भी, कोई बुराई नहीं दिखी मेरे को। अब डिमसिम ट्राई करते हैं, डिमसिम
डिम सिम के साथ ना हमें थोड़ी मिर्च वाली मिलती है, हरी मिर्च वाली चटनी, और ये हमारी लाल मिर्च वाली होती है। तो हमने वेज वाले मंगवाए क्योंकि जो मेरे साथ बंदा है ना नॉन वेज नहीं खाता। वैसे खाता मैं भी हूँ लेकिन मैं खा लेता हूँ, अब स्टार्ट कर दिया मैंने आप लोगों के चक्कर में। ये हमारे डिम सिम, बहुत ज़्यादा लेयर इसकी बहुत पतली है, अरे गिर गया मामला सारा। इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं ना इस टाइम, ये बहुत ज़्यादा। जो नॉर्मल मोमोज है ना उनसे अच्छे लग रहे हैं मेरे को ये, क्योंकि इनकी जो लेयर है ना ज़्यादा थिन है। क्या बताऊँ आपके सामने मैंने थोड़े, एक तो आपने देखा होगा बीच में रुकावट आ गया सही से बहुत ज़्यादा थिन है, मेरे को मज़ा आ गया इसको खा के। आप भी ट्राई करना डिम सिम, मैंने अभी सिर्फ पिछली वीडियो में भी ट्राई की थी डिम सिम। अब हम ट्राई करते हैं अपने, तो गाइस अभी पीछे रुकावट आ गया था, एक लड़की की चली गई थी, इसको देखे जा रहा मेरे को हंसी आ गई, मैंने मुड़ के देखा मेरे को भी हंसी आ गई। बाकी ये है हमारा भाई साहब ग्रिल्ड सैंडविच, जो अच्छे से लोडेड है चीज़ से, पनीर से, वेजिटेबल से भरा पड़ा। ये वाला देखो ये बेचारे की ऐसे ही हो रही है, फैल चुका है अच्छे से बहुत। ये तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ बहुत मस्त होगा। ये हमारी डिप है साथ में, साथ में मिलेगी ये। जैसे मैंने बाइट लिया ना कुछ नहीं आया, एक बार लेता हूँ इसका टेस्ट बता रहा हूँ। जो आप देखते हैं ना म्यूनिस का टेस्ट आ रहा होता है दूसरे सैंडविच में, इसके अंदर ना हल्की हल्की ना हरी मिर्च का जैसा वो फ्लेवर आ रहा है, जो ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है, नाइस है जो नाइस। एक और बाइट लूँगा इसका, तो अच्छा लग गया मेरे को ये, मतलब म्यूनिस का टेस्ट नहीं आ रहा जैसे म्यूनिस डाल देते हैं लोग पैरी पैरी भी कुछ भी होता है। मज़ा आया। अब हमारी नेक्स्ट आइटम जो मैंने अपने लिए मंगाई है, चिकन वाला बर्गर। अंदर का देखे जाए मामला क्या क्या डाला है। ये हमारी चिकन वाली पैटी है, गाजर, एक चीज़ कुछ नहीं करा और नॉर्मल है एकदम। बाकी म्यूनिस तो डिप तो लग जाएगी, हल्की सी लगी है, टेस्ट करते हैं इसको। हाँ भैया तो गाइज मैंने बर्गर टेस्ट किया, बर्गर का टेस्ट मेरे को एकदम डिसेंट सा लगा। मतलब जो ये है ना ऊपर के बंद नीचे का बंद सिके हुए नहीं है, नॉर्मल मतलब कह रहे थे हाफ सिके हुए हैं। हाँ और जो हमारे अंदर की मतलब उसकी पैटी थी चिकन वाली एकदम सही है वो, जैसे कई बार खाते हैं ना तो टिश्यू से आ जाते हैं चमचम जिंग 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 चिंगम की तरह चबाते रहते हैं, एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट है, सॉफ्टली जूसी तरह थोड़ा है, आराम से हो गया। बाकी ऑलमोस्ट हमने सब भी ट्राई कर लिया है। ये हमारे शेक है, जो ये हमारा शेक था हमारा हेजलनट वाला, वो बेचारा पड़ा मर ही गया, बहुत देर हो गया। नहीं ये चॉकलेट वाला है, हेजलनट वाला है, हमें दिखाओगे। बाकी अब इसको टेस्ट करते हैं, मैंने टेस्ट कर लिया, एक और बार कर लेते हैं। बढ़िया है, मेरे ख्याल से ये चॉकलेट ही है, उसकी खुशबू आई है थोड़ी, क्या कहते हैं उसको, हर चीज जैसी। ये हेजलनट है, पूरा हेजलनट वाला फ्लेवर आ रहा है, पूरे चॉकलेट है, मेरा फेवरेट तो हेजलनट है, चॉकलेट तो यही पिएगा। बाकी मेरे को सब बढ़िया लगा, नहीं हाँ सब अच्छा लगा, इसमें मुझे किसी चीज़ में कोई बुराई नहीं लगी। आप आ सकते हो यहाँ पे, थोड़ा देखो इन्होंने ना फील गोवा जैसी बनाई है, मिनी गोवा दिखाओ बेटा। इस टाइम मत आना गाइज, अगर सर्दियाँ होंगी तभी आना, इस टाइम तो गर्मियों की ऐसी ऐसी हो जाएगी। मेरे ख्याल से ना वैलेंटाइन डे था ना, तो इन्होंने ना थोड़ा वैसा बना रखी है थीम, हम सिंगल लौंडे, हमारी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं और कुछ नहीं, यही था। और इसके ना बैक साइड भी है,
वो शायद इस टाइम बंद कर रखा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, एकदम पीक लेवल की गर्मी है। अंदर मैंने बनाई नहीं वीडियो क्योंकि अंदर अंधेरा था। आप लोगों के लिए मैं इधर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, देख लो भाई, लाइक कर देना खतरनाक सा और कमेंट कर देना। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लोकेशन का, और मुझे ही बता देता हूँ मैं, ग्रेपो कैफ़े है ये गुड़गांव में सेक्टर 61 में। मेट्रो से आओगे आपको लगेंगे 20 मिनट, और हमने ओला की थी तो हमें हमारे लगे थे 70 रुपये लगे थे। उड़ीसी सेंटर से आए थे हम लोग, और कुछ नहीं, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी ना लगी हो लाइक तो कर देना और कमेंट भी कर देना बढ़िया सा, और अगर कुछ बेकार लग रहा हो तो हमें बता दिया करो कि भाई तू यहाँ हग रहा है, यहाँ हग रहा है। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में खतरनाक से, तब तक के लिए भाई गुड नाइट टू यू, बाय।